पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक और जाट मेर सिंह की के जब अंजना जवान और शादी के लायक हो जाती है तो उसके पिता ने राजकुमार है कुछ फोटो मंगवाए, लेकिन वो अंजना जो राजा पवन था उसको पसंद करती है और पवन का रंग सांवला था और उसकी सखी सहेली उसका मजाक उड़ाती है के बेबे एक तो एक बढ़िया राजकुमार पड़ा, तू इनका फोटो क्यों नहीं तेरे समझ में आया, तने यो है क्यों छाटिया फोटो नुवली मेरी समझ में आ गया है यो है। तो उसकी सखी सहेली उस अंजना का मजाक उड़ाती है और एक बात के द्वारा कैसे क्या कहती है, सोथेरे ओरी बतेरे और के छो खाप के उत्तरी जोन के प्रभारी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, हम दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। शिव कुमार जी मंगलोरा निवासी, देखो कितनी दूर दूर से मानस आए हुए हैं, जो भी आज इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आ रहा है सभी का दिल से धन्यवाद है। 100 रुपये संदीप भूरा मान सम्मान करते हैं,
500 रुपए से राजकुमार मंगलपुर मान सम्मान करते हैं, हम सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। ये हमारे कई भाइयों की फरमाइश थी इस रंग की, बहुत बढ़िया रंग है, बहुत बढ़िया बात भाई ने सुनाई, और हमारी बात बहुत कम सुनी ही। बीजा सोरठ के किस्से से कि जिस समय वो राजा रोड उस तस्वीर की बंजारी को अपनी कैद में कर लेता है और वहां से वो तस्वीर निराश होकर अपने यार राजा खंगार के पास पहुंचता है और उसको जाकर अपनी सारी कहानी बताई कि भाई मेरे साथ में उस राजा रोड ने ऐसा करा, मेरी बंजारी को कैद कर लिया और वह तेरे को छुटा करके लेनी है, तेरे को मदद करनी है मेरी। अब राजा रोड का नाम सुनते ही तस्वीर वो राजा खंगार न्यू कह लग गया, भाई तस्वीर मेरे बस की बात को ना, क्योंकि राजा रोड बड़ा ही नालायक किस्म का राजा है और मैं तो एक मामूली सा राजा, वो बहुत ताकतवर राजा है, मेरी कोई पेश नहीं चलेगी। बोले अरे मैं तो तेरे पास में बहुत आशा लेकर आया था कि तू मेरी मदद करेगा, अब तू ही नाच गया। बोला भाई मैं मजबूर हूं लेकिन मेरा एक भाणजा है बीजा, मैं उससे तेरी बात करवाता हूं, अगर वो इस बात ने मान गया तो वो तेरी बंजारी को वापिस ले आ सके, मेरे बस की बात को ना। अब वो राजा खंगार अपने भाणजे बीजे को बुलवाता है और बीजे से कहा भाई बीजे कि हाँ मामा कि बीजा जाके ला देने एक प्यार की बहू, राजा रोड ने खोज ली मेरे यार की बहू। बोले ये मेरे बचपन का यार है और इसकी बंजारी को उस राजा रोड ने कैद कर रखा है, वह तने छुटा कर लेनी। अब सुनते ही राजा रोड का नाम वो भी चक्कर में पड़ गया, बोले रे मामा तू किस सेक्शन में जा फंसा, वो तो बहुत ताकतवर राजा है, मैं एक मामूली सा बालक, मेरी किता पेश को ना चल रहा है। बोला भाई ये तो तना करना पड़ेगा, जब जिद करी मामा और मम्मी ने तो वो बीजा न्यू कहने लग गया कि मामा जब ये बात है तो मेरी एक शर्त होगी, क्या कि भाई एक महीने के बाद मैं वापिस आऊंगा और जो तुमने पहचान तो लिया अत मैं सोरठ को नहीं ला सकता, अगर ना पहचाना तो सोरठ के ला के दिखाऊंगा। सजनों बताते हैं कि एक महीने के बाद में वो बीजा सपेले का भेष भरके आया और आके अपनी मम्मी के महल के नीचे का जब बीन बजाई तो बीन की लहरा सुन के वो उसकी मम्मी छज्जे पर खड़ी अरन्यू के लागी मर जाने बस तेरी गैल चाल लूंगी। सजनों कैसे उस बीजे के गढ़ में घल जाती है और क्या कहती है, क्या बता दिया वाला, बहुत कम सुनी ही बात है। ओ ओ देखे के न्यू मन खिल गया, जनू तेल घाल दिया बाती में। उसकी मम्मी उस पर मोहित हो जाती है और क्या कहती है, अरे रूपे देख के न्यू मन खिल गया, तेल खाल दिया बाती में, ओ तेरी बीन का तार सपेरे खटके से मेरी छाती में, तेल खाल दिया बाती में।
श्री किशन पाल फौजी साहब 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री पालेराम हल्का असंध है ना, हल्का असंध पूनिया खाप से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे पिता तुल्य पूनिया खाप के अध्यक्ष जी पहले भी अपने बच्चों का बहुत मान सम्मान किया, 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री सत्यवान सरपंच साहब 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। अरे स्वाती उठे पिलंग पर ते ना धोके सिंगे सिंगेरी बैठी थी हर बार बार में सच्चे मोती पर वो कैसी बैठी थी ऐसी आराम का दिया पढ़ने का है कर कैसी बैठी थी रेणा लंद बचे साहस रेणा लंद बचे हुआ होरी घूंघट गाती हमारे आदरणीय श्री शिव कुमार जी मंगलोरा निवासी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। सियारी बचे क्यों दाहू
ऐसी बीन बजाई कि अपना सब कुछ तन सब कुछ भूल गई, मेरे गात को मेरे शरीर को शुद्धि ही नहीं रही। कैसे दूसरी कली में क्या कहने लगी बोला, क्या बता। सेज पड़ी कमरे के माँ, मेरी बोली सेज पड़ी कमरे के माँ, सेज पड़ी कमरे के माँ, ओ सब ते बाती चोटे मेरे लगी, सब ते बाती चोटे मेरे लगी, पर बोली ना शर्माती मैं तेरी खटके से मेरी श्री सत्यवान सरपंच साहब पहले भी बहुत मान सम्मान किया, 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। उसकी स्थिति देख के बीजा मन में सच्ची मान गया कि अब तू सोरठ को वापिस ले आ सकता है।
क्यों? उसकी मामी उसको नहीं पहचान पाई कि ये सपेरे के भेष में बीजा है, और उल्टा उसको ये कह लगी कि तेरी साथ चल लूंगी। बीजा मन में विचार करता है, इन्हू बोला कि या वो भी मरवावेगी। कैसे तीसरी कली में क्या कहती है, क्या बता रहा? बात मैं कर जाऊंगी, अरे हाँ कर ले ले, चलू जा मेरी जान साथ मैं कर जाऊंगी। और खेले के तलवार आप ते मार गा तो मैं मर जाऊंगी। नाट गया ते देख लिए मैं घड़ी शाद में मर जाऊंगी। नाट गया ते देख लिए मैं घड़ी शाद में मर जाऊंगी। ओ घड़ी रे साथ मैं मर जाऊंगी। ओ जोड़े मैं सच तेरी गल रहूंगी। मैं सच्चे दिल ते चाहती मैं लड़के दिल का तार तेरे करके मेरी सच्ची से मान सम्मान करते हैं। हम दोनों का दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। बीजा की मम्मी आखिर में न्यू के लागी
कि तू कोई साधा बोला इंसान को ना, जरूर तू कोई देव पुरुष है। तेरी शान से ये पता चलता है कि तू कोई देव पुरुष है। और कैसे न्यू कह लागे कहीं तू वो तो नहीं, कौन बता दिया आखिर में। शिव जी महाराज खासे छे लाशे छोड़े कैसे आ गया, अरे के तू सूर्य देवता से है पर कासे छोड़े कैसे आ गया, हर के विष्णु भगवान सुरग का पास छोड़ कैसे आ गया, के कृष्ण भगवान ब्रज का रास छोड़ कैसे आ गया, के कृष्ण भगवान ब्रज का रास छोड़ कैसे आ गया, ओ रास छोड़ कैसे आ गया, ओ लक्ष्मी चंद रूप ईसा चमक गया।